हेलो एवरीवन माय नेम इज दास वेलकम टू स्टडी बच्चों आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास एट्थ एनसीआर मैथ्स का एक नया चैप्टर चैप्टर फाइव स्क्वायर रूट्स बच्चों ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरेस्टिंग भी है ना केवल ये क्लास एट्थ के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है बल्कि अपकमिंग क्लासेस में भी ये कॉन्सेप्ट तो होते ही हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स राइट तो इसीलिए इस चैप्टर को तो अच्छे से हमें करना ही है करेंगे इस इस चैप्टर चैप्टर को ये हमारा इस का फर्स्ट वीडियो है तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हम सारे सारे लेकिन बिफोर दैट यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और यदि अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करना ठीक चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो से चैप्टर का नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है चैप्टर क्या है स्क्वेयर्स एंड रूट तो सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर एक वो फिगर होता है बच्चों हमने लास्ट एक चैप्टर में पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हमने पढ़ा था लास्ट टू लास्ट चैप्टर है ना कि वो फिगर जिसके सारे साइड्स ये दो इट इज नॉट लुकिंग लाइक लेकिन लेट कर लेते हैं इसके सारे साइड्स इक्वल हैं तो वो फिगर जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं और जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं वो फिगर हमारा स्क्वायर होता है अब इसका जब हमें एरिया निकालना होता था तो हम क्या करते थे एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड वेर यहाँ ए मैंने ए ले लिया है ए हमारा क्या है साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ठीक तो साइड की ये है लेंथ यदि ए साइड की लेंथ है तो एरिया क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं ए इंटू ए भी लिख सकते हैं अब ये जो ए इंटू ए मैंने लिखा ये ए इंटू ए मैंने लिखा इसे हम ए पावर टू भी लिख सकते हैं और ये जो मैंने डिनोट किया ए पावर टू इसी को हम ए स्क्वायर बोलते हैं तो बच्चों स्क्वायर को डिनोट करने का ये तरीका होता है ए स्क्वायर ठीक तो कई बच्चों को तो मालूम भी होगा हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझना जरूरी है साइड यदि हमारा वन है

थ्री इंटू थ्री वैसे तो नाइन होता है लेकिन नाइन कैन बी रिटर्न तो ध्यान से देखो वेन वी मल्टीप्लाई सेम नंबर नंबर विद विद द द सेल्फ तो ये जो नंबर्स होते हैं ये स्क्वायर नंबर हमको देते हैं जैसे थ्री से थ्री को मल्टीप्लाई किया तो हमने हमें नाइन मिला है ना तो जब हम नंबर को उस नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है स्क्वायर नंबर आप कितने बड़े नंबर ले लो आप टेन इंटू टेन कर दो तो जो हंड्रेड मिलेगा ये हंड्रेड जो होगा वो किसका स्क्वायर होगा टेन का स्क्वायर होगा ओके तो ये हो गया हमारा स्क्वायर तो हम जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं वी गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर है ना तो व्हेन वी मल्टीप्लाई द नंबर इटसेल्फ वी गेट द स्क्वायर ऑफ द नंबर ठीक तो ये हो गया हमारा स्क्वायर अब स्क्वायर रूट जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है बच्चों अब जो स्क्वायर नंबर्स हमें मिले कौन कौन से मिले वन मिला फोर मिला नाइन और हंड्रेड बीच में बहुत सारे और भी हैं लेकिन हमने जो जो निकाले ऊपर हमने वही ले लिए ठीक अब वन किसका स्क्वायर है वन वन का स्क्वायर था फिर फोर किसका स्क्वायर था टू का स्क्वायर था फिर नाइन किसका स्क्वायर था थ्री का स्क्वायर था और टेन हमारा सॉरी हमारा टेन का स्क्वायर था है ना अब स्क्वायर रूट का ये जो सिंबल होता है बच्चों ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है स्क्वायर रूट के अंदर कोई यदि स्क्वायर वाला नंबर है तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं और हमें ये नंबर फाइनल आंसर में मिलता है समझ में आया कैसे जैसे अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट भी बोलते हैं इसको अंडर रूट भी बोलते हैं ओके okay? तो इसके अंदर यदि कोई नंबर दो बार है जैसे टू इंटू टू है तो ये फाइनल आंसर हमें बाहर निकल के दो का एक मिलेगा तो दो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर रहते हैं तो बाहर निकल के वो एक नंबर हो जाता है तो देखो जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं दो नंबर को, को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमको उसका स्क्वायर मिल रहा था और उसी नंबर को जब हम अंडर रूट कर दे रहे हैं तो वो हमें नंबर मिल जा रहा है राइट right? यही यहाँ पे सिमिलरली यदि हमारा अंडर रूट के अंदर फोर होता तो फोर क्या है फोर है टू का स्क्वायर तो स्क्वायर से कैंसिल हुआ स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो आंसर क्या मिल जाएगा टू मिल जाएगा राइट right? इसी तरह से देखो नाइन है नाइन कैन बी नाइन का रूट करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो नाइन क्या है थ्री का स्क्वेयर है ना तो दो थ्री का एक थ्री बाहर आ जाना है ओके okay, आप इसको इस तरह से भी डिनोट करते हो कर, कर सकते हैं थ्री इंटू थ्री थ्री का स्क्वायर ना लिख के थ्री इंटू थ्री भी लिख सकते हैं देन आल्सो द आंसर विल बी सेम ठीक इसी तरह से यदि है हमारा तो फाइनल आंसर में क्या मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड क्या हो जाएगा वो टेन हो जाएगा ठीक दो का एक बाहर निकल आता है तो ये हुआ हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आगे हम इनकी स्क्वायर की हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो चलो हम देखते हैं स्क्वायर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में दी हुई है बच्चों एडिंग नंबर्स दी हुई है तो ये ट्राइंगर नंबर्स क्या होते हैं बच्चों ट्राएंगुलर नंबर्स देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं सबसे स्टार्ट करते हैं हम वन से ठीक अब यहाँ पे ये एक डॉट लगा दिया वन है तो एक डॉट अब इसके ठीक नीचे हमने दो डॉट और, और लगा दिया तो टोटल तो कितने डॉट्स हो गए थ्री डॉट्स लेट्स राइट इट ठीक अब इसके नीचे दो डॉट लगाए थे अब नेक्स्ट लाइन में हम तीन डॉट लगा देते हैं तो टोटल कितने डॉट्स हो गए ये हमारे डॉट्स हो गए अब तीन लगाए थे अब हम फोर डॉट्स लगा देते हैं One, two, three, four, तो फोर डॉट्स ऐड किए हमने सिक्स में तो कितने डॉट्स कितने डॉट्स हो गए टोटल मिला के टेन नेक्स्ट लाइन में कितने डॉट्स ऐड करने अभी हमने फोर किए थे अब नेक्स्ट लाइन में फाइव इस तरह से जैसे जैसे हम नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ाते जाएंगे विल गेट अ ट्राइंगल शेप है ना तो इन नंबर्स को हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं बच्चों और व्हेन यू ऐड कोंसिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स यू गेट द स्क्वायर तो यहाँ पे हमने फाइव और ऐड किया तो तो यहाँ हमें फिफ्टीन मिल चुका है राइट right? इसके आगे आप फर्दर और कर सकते हो ट्रैक कर सकते हो तो जो कोंसिक्यूटिव नंबर्स होते हैं एक के बाद एक वाले नंबर देखो 1 3 कितना हो जाएगा 4 4 इज अ स्क्वायर ऑफ टू है ना टू का स्क्वायर फोर होता है सिमिलरली थ्री प्लस सिक्स यदि आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको नाइन मिलेगा है 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 ना ना का क्या होता होता पे छोटा छोटा हो गया दिख तो, रहा हो ही हो. अब तो इस तरह से आपका ट्राइंगर नंबर जो होंगे उनका सम कॉन्सिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर ये याद रखना है ना किसी को भी किसी के साथ नहीं कॉन्सिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर को आप जब एड करोगे यू गेट द स्क्वेयर नंबर ओके तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो ट्राइंग नंबर है ये यदि आपको याद है तो यू कैन इजली फाइंडर नंबर बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है हमारे एक्सरसाइज में तो ध्यान से समझना नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स का मतलब यदि दो स्क्वायर नंबर है उनके बीच में कितने नंबर्स और होंगे जैसे फॉर इंस्टेंस फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं चेंज़ कलर यहाँ हमारा वन है और वन का स्क्वायर करते हैं तो वन आएगा और टू का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो हमें मिलेगा फोर ठीक अब टू वन और फोर के बीच में कौन कौन से नंबर है वन के बीच में टू और थ्री फोर तो इंक्लूड नहीं कर सकते हमको बीच वाले नंबर लेने तो कितने नंबर मिले आपको टू और थ्री मतलब दो नंबर मिले अब ये दो नंबर कैसे आए होंगे देखो इस तरह से यदि हमने फोर माइनस वन किया तो विल गेट थ्री ठीक थ्री में से वन माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगे दो नंबर मिलेंगे है ना अच्छा आगे और इसी ये सीक्वेंस और फॉलो होता है कि नहीं पहले ये देख लेते हैं अब हमने नेक्स्ट लिखा टू का स्क्वायर होता है फोर और थ्री का स्क्वायर होता है हमारा नाइन ठीक अब फोर और नाइन के बीच में सबसे पहले देख लेते हैं कितनी नंबर्स आ रहे हैं फोर छोड़ देते हैं फाइव सिक्स 7 and 8, देखो कितने फोर नंबर्स है, है यहाँ लिख लेते हैं 4 आ रहे हैं ओके, अब 9 -4 करते हैं अब करते ठीक जो नंबर्स हमको मिले इन दोनों का माइनस किया तो हमें कितना मिल गया फाइव फाइव माइनस वन देखो हर में हमको वन माइनस तो करना है ठीक जो भी आंसर आएगा उसमें वन माइनस करेंगे देखो अगेन वी आर गेटिंग वॉट फोर एक और देखें एक और देखो थ्री का स्क्वायर ले लिया थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन होता है और फोर का स्क्वायर उसके जस्ट बाद वाला नंबर लेना है फोर का स्क्वायर हमारा होता है सिक्सटीन तो सिक्सटीन नाइन और सिक्सटीन के बीच के कौन कौन से नंबर हुए लिख लेते हैं ये हुआ टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन तो कितने नंबर हो गए टोटल सिक्स नंबर्स हो गए है ना देखो One, two, three, four, five, six, six हो गए लेकिन बार बार बच्चों हम इस तरह से नंबर्स तो नहीं लिख सकते और उनको करके तो नहीं कर सकते है। हो सकता है numbers, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे नंबर लिखे फिर कैलकुलेट करें भैया ये वी नीड टू हैव अ फॉर्मुला है ना तो हमें एक फॉर्मुला डिराइव करना पड़ेगा तो उस फॉर्मुले को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे देखो सब हम ले, ले लेते हैं एक नंबर एन तो दूसरे नंबर को अच्छा देखो यहाँ पे फिर हमको वन माइनस करना रहता है ये बात याद रखना सिक्सटीन माइनस नाइन करेंगे गेट सेवन हमें सेवन मिलेगा इसमें से हमको वन माइनस करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलता है ठीक विच इज सिक्स है ना तो यहाँ पे हमने एक नंबर यदि एन ले लिया तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली उससे एक बड़ा मतलब एन प्लस वन होगा राइट right, इनका स्क्वायर करते हैं और माइनस करते हैं तो बिगर डिजिट दे, देखो पहले लिखते हैं स्मॉलर वाला बाद में लिखते हैं है ना तो बिगर डिजिट यहाँ पे हमारा एन प्लस वन है इसका कर दिया हमने स्क्वायर और फिर छोटा वाला जो नंबर है एन स्क्वायर है तो ये लिख दिया हमने एन स्क्वायर ठीक अब इसमें से क्या करना है वन माइनस करना है ये याद रखना है है ना वन माइनस कर दिया हमने अब देखो ये जो है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अच्छे से याद कर लो बच्चों हमें एलजेब्रा और फैक्टराइजेशन में भी ये फॉर्मला यूज करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक यहाँ पे हमारा a जो है a की जगह n है और b की जगह हमारा 1 है ठीक तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि फॉर्मले में पुट करें तो हमें मिलेगा एन स्क्वेर प्लस टू इंटू ए है हमारा एन इंटू बी है हमारा वन फिर प्लस वन स्क्वेर ठीक अब यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर माइनस वन ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज एन स्क्वेर प्लस टू इंटू एन टू एन इंटू वन करेंगे तो वो सेम ही नंबर मिलेगा तो यहाँ पे टू इंटू एन टू एन हो जाएगा प्लस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस वन अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमारा एक एन स्क्वायर प्लस वाला है और एक एन स्क्वायर माइनस वाला है तो टू माइनस टू माइनस टू कितना होता है जीरो होता है ना है ना सेम नंबर से सेम नंबर जब माइनस होता है तो जीरो हो जाता है तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल देखो प्लस वन और माइनस वन ये दोनों भी सेम नंबर अपोजिट साइन, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल जाएगा टू इसे याद रखना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज में यही यूज होने वाला है बच्चों। व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स, यू यूज टू एंड ओके okay, मतलब यदि हमें इसको कैसे यूज कर सकते हैं हमारा यदि बोला है कि टू स्क्वायर और थ्री स्क्वायर के बीच के कितने नंबर्स है वो हमें फाइंड करना है तो देखो एन हमारा टू होगा जो छोटा वाला नंबर है वो हमारा एन ध्यान से देखो यहाँ पे हमने छोटे वाले नंबर को एन लिया था ना तो छोटा वाला नंबर हमारा एन है तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे टू एन की जगह टू इंटू टू कर देंगे क्योंकि छोटा नंबर हमारा टू है तो ये मिल गया हमें फोर तो देखो ध्यान से इन दोनों के बीच का जब हमें नंबर निकालना था तो देखो टू स्क्वायर ये रहा टू स्क्वायर ये रहा थ्री स्क्वायर इनके बीच में कितने नंबर थे फोर नंबर तो यहाँ पे हमें बिना इन सारे नंबर्स को लिखे और कैलकुलेट किए हमें हमारा आंसर मिल जाना है इसीलिए बड़े बड़े नंबर्स जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे यदि मैंने इसको थोड़ा सा इरेज करूं यहाँ पे यदि हमें बोला होता कि भैया और सेवनटीन स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स है तो अब हम इनका स्क्वायर लिख के उनको काउंट करते करने तो बैठेंगे नहीं है ना तो हम सिंपली हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे टू एन वाला फॉर्मुला यूज करेंगे टू इन टू एन हमारा छोटा वाला नंबर होगा सिक्सटीन सिक्सटीन टू सा हमारा कितना हो जाता है थर्टी टू हो जाता है तो देखो थर्टी टू देयर इन बिटवीन दीज टू स्क्वायर स्वयर तो इन दोनों नंबर का स्क्वायर जब आप करोगे तो उनके बीच के कितने होंगे नंबर थर्टी टू अब थर्टी टू नंबर ओके अः अच्छे से समझ में आ गया होगा देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है एनसीईआरटी में ये चीज अच्छे से क्लियर की दी हुई है यदि एक नंबर एन स्क्वायर लिया और दूसरा एन प्लस वन का होल स्क्वायर लिया तो विल गेट आंसर एस टू एन विच इज वन लेस देन द

नेक्स्ट देखो एडिंग अब एडिंग ऑड ऑड नंबर्स नंबर्स अब में ध्यान से देखो ये एक और और एक स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है जब भी हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं ना तो हमको देखना पड़ेगा कितने नंबर है देखो यहाँ पे वन ऑड नंबर मालूम है किसको ऑड नंबर नहीं मालूम वो नंबर्स जो टू से डिवाइड नहीं होते दे आर ऑड नंबर्स राइट यहाँ से लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट जैसे वन हो गया थ्री हो गया फाइव हो गया है ना सेवन हो गया अब एक एक छोड़ते जाओ आप नाइन तो दीज नंबर अब वो नंबर जो टू से डिवाइड होते हैं टू फोर सिक्स दे आर इवन नंबर्स है ना तो हमें ऑड नंबर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है तो यहाँ ध्यान से देखो ऑड नंबर का ऑड नंबर को जब हम सम करते हैं तो कितने ऑड नंबर है यहाँ एक नंबर एक ऑड नंबर है तो वन ऑड नंबर तो वन का स्क्वायर किया

साथ ही साथ आप फाइव प्लस थ्री कितना होता है एट एट प्लस वन क्या होता है नाइन होता है तो आपको यदि ऑड नंबर्स में हमें बोले हम ऑड नंबर्स की एक लाइन दे दे एक आ, सीरीज दे दे ऑड नंबर के सम की एक सीरीज दे दे लगातार वाले ठीक तो हमको कुछ नहीं करना है बच्चों हमको बस इनको अकाउंट करना है कि कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है तो सिक्स का स्क्वायर कर देंगे थर्टी सिक्स विल बी द आंसर इन सबको आप ऐड करो आप अब ऐड करने में टाइम लगता है हमने सीधे सीधे क्या किया वन टू थ्री फोर कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरह से हमारा यदि आगे यदि मैंने एक और एग्जांपल ले लिया वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन अब यहाँ देखो कितने ऑर्ड नंबर्स हो गए यहाँ पे हमारे सेवन ऑट नंबर्स हो गए है ना सेवन का स्क्वायर आप कर दो तो यूल गेट व्हाट फोर्टी नाइन तो यहाँ पे आप इन सबको ऐड करोगे तो भी आपको आंसर फोर्टी नाइन ही मिलेगा तो इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें व्हेन जितने भी ऑड नंबर होते हैं लेट्स सपोज एन ऑड नंबर है तो एन का यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा सम ऑफ ऑड नंबर्स मिल जाएगा या एडिशन फॉर्मुला यूज करना है सम निकालने के लिए एन स्क्वायर ठीक सम ऑफ ऑड नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा एन स्क्वायर होगा समझ में आया चलो अब नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर अब ये इतना बड़ा टेबल जो है इसको आपको देखो हंड्रेड तक तो टेन तक तो आराम से याद हो जाता है सबको याद हो जाता है क्योंकि हमें टेबल्स याद रहती है तो टेन टेन से हंड्रेड तक सबको इलेवन और ट्वेल्व भी बहुत सारे बच्चों को याद रहता है, है ना लेकिन हम आगे देखेंगे कि थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन इनकी हम हम इनका यदि स्क्वायर निकालना है, तो हमें कैसे निकालना है ठीक Uh, उसको हम बाद में देखेंगे अभी पहले आप ध्यान से कुछ चीजें और प्रॉपर्टीज कुछ और प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट आप देख लो स्क्वेयर्स की जो हमें क्वेश्चंस में यूज होने वाली है यहाँ ध्यान से देखो यहाँ वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस कैसे यूनिट प्लेस क्या होता है बच्चों जब हम कोई नंबर लिखते हैं यहाँ पे लेट सपोज मैंने टू लाइट कलर ले लेते हैं यहाँ पे वैदी मैंने लिखा टू थ्री फोर फाइव ये लास्ट वाला जो नंबर है ना ये यूनिट यूनिट प्लेस प्लेस का नंबर नंबर कहलाता है है ना लास्ट वाला जो है. प्लेस या यूनिट प्लेस कहते हैं अब हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा ऑड होगा कि इवन होगा तो कैसे पता करेंगे हम जब हमारा कोई भी नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर कोई भी नंबर यदि ऑड है जैसे वन ऑड नंबर है फाइव ऑड नंबर है ना वी गेट ओनली नंबर से देखो वन का स्क्वायर वन ही है, है तो ना लेकिन इवन नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वी गेट इवन नंबर ओनली इस चीज को याद रखना कि जब भी हम ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें ऑड नंबर ही मिलता है और जब हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा हमें इवन नंबर मिलता है ठीक अब एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि हमारा यूनिट प्लेस का नंबर हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको यूनिट प्लेस देख के बताना है कि वेदर दे आर द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर और नॉट कि ये जो नंबर आपको दिए हैं लेट सपोज यदि मैंने यहाँ लिख दिया टू थ्री फाइव सिक्स यहाँ पे आपको सिक्स को देख के पता लगाना है कि ये जो नंबर है ये किसी का स्क्वायर है कि नहीं किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं ठीक तो कैसे पता लगाएंगे उस चीज के लिए बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि वन यहाँ देखो यूनिट प्लेस के नंबर देखते हैं फर्स्ट वाले में यहाँ भी और यहाँ पे भी दोनों जगह यूनिट प्लेस में क्या मिल रहा है वन मिल रहा है यहाँ देखो ये यह फोर मिला और यहाँ पे भी ये फोर और यहाँ पे भी ये फोर है ना फर्स्ट वाले में यूनिट प्लेस में वन 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 मिल रहा था नेक्स्ट वाले में देखो फोर 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 मतलब यूनिट प्लेस में हमें वन मिल सकता है यूनिट प्लेस में हमें फोर मिल सकता है नेक्स्ट लाइन में देखो नाइन 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 तो यूनिट प्लेस में हमें नाइन भी मिल सकता है स्क्वायर करने पर नाइन आ रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस में हमें सिक्स भी मिल सकता है नेक्स्ट वाला देखो सिक्स है क्योंकि बीच में लिख देते हैं ठीक नेक्स्ट वाला देखो फाइव यूनिट प्लेस में हमें फाइव भी मिल सकता है है ना तो एक और नंबर जो मिलेगा वो फाइव मिलेगा नेक्स्ट हमें जीरो देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस में सिक्स मिल सकता है हमने ऑलरेडी सिक्स लिख चुका है ना अब नेक्स्ट हमारा यूनिट प्लेस में हमें जीरो भी मिल सकता है देखो नाइन हंड्रेड के लास्ट में जीरो है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में हमें जीरो भी मिल सकता है किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से देखो और कोई नंबर है क्या नाइन है नाइन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं फोर है, है हाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं वन भी लिख चुके हैं और जीरो भी लिख चुके हैं ओके okay? तो इस तरह से ध्यान से देखो जब यूनिट प्लेस में डबल जीरो रहता है यहाँ ये सिंगल जीरो नहीं है दो जीरो ध्यान रखना है सिंगल जीरो में हो सकता है कि हमारा ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो लेकिन दो जीरो होना चाहिए साथ ही साथ वन फोर सिक्स नाइन फाइव यदि हमारा कोई नंबर दिया हुआ है टू थ्री नाइन एट अब यदि हमें पूछा कि वेदर इट वेदर इट इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर और नॉट हम सीधे बोल देंगे कि नो इट कैन नॉट बी अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर क्यों क्योंकि इसका यूनिट प्लेस देखो इसके यूनिट प्लेस में क्या है एट है यहाँ पे यूनिट प्लेस अलाउड कौन कौन से हैं स्क्वायर होने के लिए वन फोर सिक्स नाइन फाइव और डबल जीरो ठीक यानी ये नंबर नहीं है तो जो नंबर हमको गिवन में दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता ओके okay, समझ में आया क्यों क्योंकि अब हमने देख लिया इतनी बड़ी टेबल देखी इस, इस पूरी टेबल आप आगे भी आप स्क्वायर निकालोगे ना तो आपको वन फोर नाइन सिक्स फाइव यूनिट प्लेस में यही डिजिट मिलेंगे ओके okay? आपको एट नहीं मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा आपको टू नहीं मिलेगा आपको थ्री तो थ्री नहीं मिलेगा फोर मिला है फाइव मिला है सिक्स मिला है सेवन नहीं मिलेगा एट नहीं मिलेगा है ना नाइन मिला है और टेन टेन में है वो भी डबल जीरो होना जरूरी है इसको ध्यान रखना ओके तो ये नंबर्स जहाँ पे भी है हमारे यूनिट प्लेस में तो उस नंबर का परफेक्ट वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ओके समझ में आए ये चीज हम क्वेश्चन करेंगे तो और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा ओके अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अच्छा कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो भी समझते चलते हैं बच्चों वन जीरो का स्क्वायर हम नहीं कर सकते जीरो का स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड ओके वन का स्क्वायर हमेशा वन ही होगा हमेशा आप यदि किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो किसी पॉजिटिव नंबर को थोड़ा बढ़ा ले लेते हैं किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा और अब, यदि आप किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करो तो भी आंसर आपका पॉजिटिव ही मिलेगा ओके स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर विल बी पॉजिटिव ठीक ये सारी प्रॉपर्टीज हमको अच्छे से याद रखनी है ठीक अब यहाँ देखो बच्चों यहाँ पे आपका जो छोटे नंबर है ना छोटे नंबर का स्क्वायर याद रखना तो बहुत इजी है लेकिन यहाँ से जैसे बड़े नंबर यहाँ एटलीस्ट आप ट्वेंटी तक तो लर्न कर सकते हो लेकिन ट्वेंटी वन से लेकर आपको वहीं तक भी पूछ सकते नाइन्टी सिक्स का पूछ सकता है स्क्वायर है ना तो इतने बड़े बड़े नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकाले इजी तो इस चीज का भी आपके पास एक ट्रिक है लेट सपोज यहाँ पे जैसे मैंने नाइन्टी बोला तो ले लेते हैं नाइन्टी का स्क्वायर निकालना है ठीक तो 96 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों हम दो तरह से 96 का स्क्वायर निकाल सकते हैं एक तो हम कर देते हैं 100 4 और इसका होल स्क्वायर देखो 100 4 हम लिख सकते हैं 100 4 करोगे यू विल गेट 96 ओनली ओके okay? तो यहां पे हमें इजी हो जाएगा स्क्वायर निकालना हमें इतना 96 96 नहीं करना पड़ेगा और वो करने में हमारा मिस्टेक भी होने के चांसेस रहते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये हम सीधे सीधे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पे हमारा ए हंड्रेड है और बी हमारा फोर है तो यहाँ क्या हो जाएगा हंड्रेड का स्क्वायर जो कि बहुत ईजी होता है निकालने में माइनस टू इंटू ए हमारा हंड्रेड है इंटू बी हमारा फोर है और प्लस बी स्क्वायर मतलब फोर स्क्वायर इसे आप सॉल्व कर दो ऐड कर दो यूल गेट योर फाइनल आंसर देखो यहाँ पे हमारा क्या है स्क्वायर कर रहे हैं तो दो जीरो का चार जीरो हो जाएगा सिंपली हाँ स्क्वायर करते हैं तो जितने जीरोज हैं वो डबल हो जाते हैं यहाँ दो जीरो थे तो यहाँ चार जीरो हो जाएंगे प्लस प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं फोर फोर जिक्सटीन माइनस देखो यहाँ पे फोर फोर टू जट इंटू हंड्रेड विल बी एट हंड्रेड तो सिंपली आपको क्या करना है वन जीरो जीरो वन सिक्स माइनस एट हंड्रेड कर देना है तो आपको आपका आंसर मिल जाना है ये क्या हो जाएगा जीरो जीरो एट जीरो जीरो नहीं सिक्सटीन होगा ना वन सिक्स यहाँ देखो वन जीरो जीरो वन सिक्स था यहाँ एट हंड्रेड था तो यहाँ तो सिक्सटीन का सिक्सटीन रह जाएगा है ना टेन में से एट गया, गया तो टू और यहाँ नाइन तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नाइन टू वन सिक्स ये तो हो गया हम माइनस में यदि लेते हैं हम प्लस में भी तो ले सकते हैं जैसे नाइन्टी सिक्स को नाइन्टी सिक्स को यदि माइनस में बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है तो आप प्लस वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कैसे नाइनटी प्लस सिक्स कर देते हैं नाइनटी प्लस सिक्स का स्क्वायर तो ये क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर है ना ए प्लस बी का स्क्वायर इसे रेज कर देते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है ना ये होगा हमारा तो यहाँ पे नाइनटी स्क्वायर ये हमारा ए है ये हमारा बी है तो नाइनटी का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 6 का प्लस का अब सबको हमको सॉल्व करके ऐड कर देना है नाइनटी का स्क्वायर नाइन नाइन एटी वन होता है तो एटी वन लगाया और पीछे दो जीरो लगा दिया एक जीरो था एक जीरो का डबल दो जीरो प्लस सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स प्लस यहाँ देखो क्या करना है एड कर देना है सिंपली हम एड कर देते हैं वन हंड्रेड एंड एट सिक्स प्लस एट हमारा फोर्टीन हो जाएगा वन कैरी गया अगेन थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा ये हो गया हमारा टू और एट देखो कितनी इजिली हमको मिल गया एट टू डबल फोर इस तरह से आप बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर okay? तो ये हो गया uh, okay? हम है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा क्या होता है यहाँ यदि हमने थ्री का स्क्वायर किया प्लस फोर का स्क्वायर किया ठीक थ्री का स्क्वायर होता है हमारा नाइन और फोर का स्क्वायर होता है हमारा सिक्सटीन इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो यूल गेट व्हाट ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव किसका स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव होता है फाइव का स्क्वायर तो ध्यान से देखो दो नंबर्स का स्क्वायर किया और उनका सम किया तो विल गेट द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर है ना जो हमें आंसर मिला वो भी स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर तो इस तरह के नंबर जिनका स्क्वायर करके सम करने पर जो फाइनल आंसर हमको मिलेगा वो भी यदि परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर मिलता है तो ये जो नंबर कहलाते हैं ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नंबर कहलाते हैं जैसे थ्री फोर और फाइव हो गया हमारा नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ओके पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो आपके थ्योरम से रिलेट करता है आप उसको लेटर नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे अभी तो हमें यहीं पे कंसंट्रेट करना है कि पाइथागोरियन थ्योरम ट्रिपलेट क्या होते हैं अच्छा इसी तरह से एक और हम नंबर का एग्जांपल ले सकते हैं कैसे जैसे यदि आपने सिक्स का स्क्वायर किया प्लस एट का स्क्वायर कर दिया सिक्स का स्क्वायर होता है हमारा थर्टी सिक्स और एट का स्क्वायर होता है हमारा सिक्सटी दोनों को एड करोगे आप विल तो गेट वॉट हंड्रेड विच इज अ स्क्वायर ऑफ टेन ना 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है तो यहाँ देखो 6 का स्क्वायर किया प्लस 8 का स्क्वायर किया वी गेट व्हाट 10 का स्क्वायर तो 6 8 और 10 जो हो गए वो क्या हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए इस तरह से हम अलग-अलग नंबर्स को तो फाइंड आउट कर नहीं सकते आपको क्वेश्चन में कोई एक नंबर दे दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि फाइंड ऑल थ्री पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक तो आपको दे दिया अदर टू ियन ट्रिपलेट्स तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मुला है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक नंबर हमको दे देंगे बाकी दो ट्रिपलेट के numbers हम फाइंड कर, कर सकते हैं तो कैसे है, कौन फॉर्मूला है, है वो एक होता है हमारा टू एम दूसरा होता है हमारा एम स्क्वायर प्लस वन और तीसरा होता है हमारा एम स्क्वायर माइनस वन तो इन तीनों को आप अच्छे से याद रखना फॉर इंस्टेंस यदि एक नंबर हमको दे दिया है एट ठीक यदि हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक नंबर एट दे दिया है और वी वी, वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द अदर टू पाइथागोरस ट्रिपलेट तो हम क्या करेंगे इस एट को इक्वेट कर देंगे टू एम से तो यहाँ से हमें टू एम इज इक्वल टू एट रख दिया एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हम, हमने लेट कर लिया कि टू एम जो है वो हमारा एट है ठीक तो टू एम हो जाएगा तो एम की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी एट अपॉन क्वल टू फोर तो m हमको मिल गया 4, अब दूसरे वाले में हम पुट कर लेंगे m square plus 1 निकालना है 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 तो तो ना होता हमारा हमारा पे हो जाएगा और तीसरा वाला भी फाइंड कर लेते हैं एम स्क्वाइनस वन एम स्क्वायेर है हमारा फोर स्क्वायर माइनस वन करेंगे सिक्सटीन माइनस वन तो कितना मिल जाएगा हमारा 15 मिल जाएगा तो हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट में यदि आपने 4 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर पहले दो छोटे नंबर यहाँ पे रखना ओके इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर मिलेगा तो आप करके देखना इसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं ओके okay? चलो ये प्रॉपर्टी तो हो गई हमारी फिनिश नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखे क्या है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट निकालना स्क्वायर रूट जैसे कि मैंने बोला कि इसको रूट को इस तरह से डिनोट करते हैं है ना तो 36 हो जाएगा हमारा लेकिन निकालने के भी हमारे दो तीन तरीके हैं बच्चों तो फर्स्ट उसमें से फर्स्ट मेथड जो है वो रिपीटेड सब का है तो जैसे हमने निकाला था कि टेन का हमने टेबल में देखा था टेन का जो स्क्वायर होता है वो हंड्रेड होता है, है ना? तो लेट्स टेक हंड्रेड और देखते हैं कि रिपीटेड सब का यूज करके हम कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो यहाँ हमको करना क्या होता है बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन देखो नाम से समझ में आ रहा है कि हमको बार बार सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमको बच्चों कॉन्सिक्यूटिव सब्ट्रैक्ट करते जाना है जैसे हंड्रेड में से सबसे पहले वन माइनस करेंगे वन माइनस किया तो हमें मिलेगा नाइनटी नाइन ठीक अब नेक्स्ट स्टेप में नाइनटी नाइन में से हम माइनस करेंगे वन हो गया अब थ्री माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा नाइनटी सिक्स ठीक थ्री हो गया अब नाइनटी सिक्स में से हम फाइव को नेक्स्ट हमारा नंबर कौन सा है एट्टी फोर ठीक अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे एट्टी फोर मिल गया एट्टी फोर में से हमको क्या माइनस करना है नेक्स्ट ऑर्ड नंबर हमारा सेवन के बाद क्या होगा नाइन होगा तो ये हो गया हमारा नाइन माइनस करेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14, ये हमें मिल गया. 5, तो 5 और यहां से हो हो जाएगा. जाएगा जाएगा? जाएगा. में में हम हम माइनस करेंगे. तो ये हो जाएगा, 75 11, तो ये से से हमें क्या मिल जाएगा? 64 मिल अगेन थर्टीन को माइनस करेंगे ऑड नंबर याद रखना है कि ऑड नंबर को ही माइनस करना है ओके okay? नेक्स्ट हमें क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा हमारा फिफ्टी वन मिल गया हमे, हमें थर्टीन के बाद फिफ्टीन माइनस करना है तो यहाँ पे फिफ्टी वन में से हम माइनस करेंगे फिफ्टीन को तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो ये हमको मिल गया कितना सिक्स मिला और फाइव फोर uh, में से वन गया तो फोर में से वन गया तो थर्टी सिक्स बचा अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा थर्टी सिक्स में से कितना माइनस करेंगे सेवनटीन को माइनस करेंगे है ना सेवनटीन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा नाइनटीन मिल जाएगा और लास्ट एट दी एंड नाइनटीन में से हमें कितना माइनस करना है सेवनटीन के बाद और नंबर ही होता है तो यहां हमें मिल गया फाइनली जीरो तो हमें तब तक सब करते जाना है बच्चों जब तक हमारा फाइनल आंसर जीरो नहीं हो जाता तो इससे हमने कैसे फाइंड किया कि परफेक्ट स्क्वायर हंड्रेड किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो देखो हम नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करते हैं ये वन ये टू ये थ्री ये हो गया फोर जितने बार हमने माइनस किया वो काउंट कर रहे हैं फोर ये हो गया फाइव ये हो गया सिक्स ये हो गया सेवन ये हो गया एट ये हो गया नाइन और ये हो गया टेन देखो जितनी टाइम्स हमने सप्ट्रैक्ट किया और नंबर्स को उतना ही उ, उ, उस उसी नंबर का स्क्वायर होता है जिस नंबर से हमने स्टार्ट किया मतलब टेन टाइम्स हमने subtract किया और नंबर्स को तो टेन का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा हंड्रेड मिलेगा तो ये जो मेथड कहलाता है ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड कहलाता है बच्चों पर्सनली ये मेथड मुझे थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है लेकिन हमारी बुक में दिया हुआ है तो वी शुड नो दिस मेथड आल्सो अदरवाइज आप दूसरे जो मेथड्स है वो भी यूज कर सकते हैं यहाँ यदि स्ट्रिक्टली बोला जाए कि यू नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट यूजिंग रिपीटेड सप्ट्रैक्शन मेथड तो हमको ये मेथड आना ही चाहिए है ना

थ्री से फिर फाइव से यदि नहीं जाता है टू से तो थ्री से और फाइव से इस तो तरह से हम करते हैं तो सबसे पहले देखो हंड्रेड है इवन नंबर है तो टू से तो होगा ही हमारा ये कैंसिल टू फाइव ज हो गया टेन और जीरो आ जाएगा यहाँ पे अगेन देखो फिर भी इवन नंबर तो फिर टू से है ना तो अगेन टू टू झा फोर होगा यहाँ कैरी वन जा रहा है तो टेन बन रहा है तो टू फाइव किससे जाता जाता से तो जाता नहीं, 3 में आता नहीं है की तो लास्ट में फाइव वन तो यहाँ पे हमारा देखो ध्यान से क्या क्या नंबर हमें मिल गए हंड्रेड अंडर रूट ऑफ हंड्रेड निकाल रहे हैं हम है ना ये याद रखेंगे और हंड्रेड का अंडर रूट हमें प्राइम फैक्टर्स क्या मिले टू इंटू टू और फाइव इंटू फाइव अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब हम अंडर से बाहर निकालते हैं आंसर जब लिखते हैं तो दो का एक बाहर आता है तो दो टू का एक बाहर आ गया और दो फाइव का एक फाइव बाहर आ गया तो देखो हमें आंसर क्या मिला टेन है ना ये ज्यादा अच्छा मेथड तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ हंड्रेड 10, जो हो जाएगा वो क्या होगा टेन होगा ओके okay, तो ये मेथड जो कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और उसके बाद अंडर रूट के बाहर हम कौन-कौन से कॉमन नंबर्स आ गए दो का कर एक करके निकालते हैं और जो फाइनल आंसर होता है वो हमारा स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर होता है ठीक जैसे 100 का स्क्वायर रूट हो गया हमारा 10 ओके okay, समझ में आया ये अच्छे से नेक्स्ट मेथड देखे क्या नेक्स्ट मेथड जो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख के समझेंगे आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे तो सबसे पहले हम एक कोई भी नंबर ले, ले लेते हैं हम ले लेते हैं फोर फोर वन ठीक अब फोर फोर वन हमने लिया इसका हमें बोला है कि डिविजन मेथड से क्या निकालना है परफेक्ट स्क्वायर तो देखो स्टेप्स याद रखने हैं इसमें आपको सबसे पहले हम पीछे से काउंट करते हैं और पेयरिंग बनाते हैं जैसे यहाँ पे दो नंबर पहले और एक बचा तो एक ले लेंगे दो यदि होता तो फिर पेयर में दो लेते ओके तो यहाँ पीछे से काउंट करेंगे ओके याद रखना दो लिया फिर एक लिया अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से ओके अब हमने जो सिंगल वाला बार लिया है इस बार के नीचे हमारा क्या है फोर है ये हमारा एक सिंगल बार के नीचे फोर है अब दे हम देखेंगे फोर किसका स्क्वायर है फोर टू का स्क्वायर होता है है ना तो हम यहाँ पे टू और यहाँ पे भी टू 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 सा कितना हो गया फोर हो गया ठीक अब यहाँ से हम जैसे हम डिविजन में करते हैं यहाँ पे हमने माइनस कर दिया तो हमारा यहाँ पे नीचे क्या बचा ये तो जीरो हो गया यहाँ पे हमारा नीचे 41 पूरा पेयर का नंबर है दोनों एक साथ ही नीचे आएगा 41 आ जाएगा नीचे यहाँ पे इस तरफ इस तरफ पे हमको क्या करना है इसी नंबर को जो नंबर हमने यहाँ पे लिया है ना टू लिया है यहाँ पे इसी नंबर को सेम नंबर से एड कर देना है तो टू प्लस टू क्या हो गया फोर फोर हमको यहाँ पे लिख लेना है अब यहाँ पे पहले हम फोर लिख लेते हैं अब फोर के बगल में हमको ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है डबल करके यहाँ वन दिख रहा है तो जैसे हमने वन यहाँ पे जो नंबर हम लेंगे बच्चों यहाँ पे भी वही नंबर लेना है यहाँ पे यदि हम टू लेंगे तो यहाँ पे भी हमको टू लेना है ओके तो यहाँ पे ध्यान से देखो हमें फोर्टी वन चाहिए फोर्टी वन चाहिए तो हम फोर के बगल में यदि वन लेंगे तो नीचे भी हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर लेना है क्योंकि हमें तो वन और वन को मल्टीप्लाई करेंगे गेट वॉट वन इंटू वन वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे यू गेट द सेम नंबर है ना तो फोर्टी वन ही मिलेगा तो यहाँ हम वन लिखेंगे और यहाँ पे भी हम वन लिखेंगे और यहाँ हम फोर्टी वन लिख देंगे यहाँ पे हमारा क्या आ गया जीरो आ गया तो देखो यहाँ जो आंसर मिलता है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन का ही स्क्वायर यदि आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा फोर फोर्टी वन या इसका जस्ट अपोजिट यदि बोले कि फोर फोर्टी वन का अंडर रूट यदि करोगे स्क्वायर रूट यदि करोगे गेट ट्वेंटी वन इस तरह से हमें क्या यूज करना है डिविजन मेथड ये मेथड बहुत ही अच्छा है यदि आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं भी है ना तो भी आप डिविजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो ठीक तो ये मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड है आगे जाके भी और हम इस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम उन सारे क्वेश्चन को करेंगे तो आपके और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ओके okay? चलो लेट्स सी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है उसमें भी हमें ये मेथड यूज करना है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स अब यदि अभी तो हमने एक नंबर लिया था 441 तो हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया इजीली अब यदि डेसिमल नंबर होगा तो कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे उसे देखते हैं यदि हमारा कोई नंबर है 28. अह uh, क्या ले ले 5 ले लेते ले हैं ठीक 28.5 ले लिया अब यदि इसका हम स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे सबसे पहले तो मेथड सेम रहेगा लाइन खींचेंगे यहां से हम पीछे से दो दो का पेयर बनाते हैं डेसिमल के और आगे से दो दो का पेयर बनाते हैं ओके तो, यहां तो, डेसिमल के आगे दो ही है, तो इन दोनों का पेयर हो जाएगा ओके अब हमारा ट्वेंटी एट है ट्वेंटी एट किसका स्क्वायर होता है ट्वेंटी एट तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो हम देखो फाइव का स्क्वायर क्या होता है ट्वेंटी फाइव तो हम फाइव और फाइव ले सकते हैं तो यहाँ ले लिया हमने फाइव और जो नंबर ऊपर वही नंबर यहाँ है ना तो फाइव फाइव सा हो गया हमारा ट्वेंटी फाइव लिख लिया हमने तो यहाँ हमारा क्या आ गया थ्री आ गया ओके अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सेम नंबर को ऐड करते हैं फाइव प्लस फाइव क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा यहाँ देखो यहाँ यह तो यहाँ पुट करेंगे हम डेसिमल और इस को पीछे एक जीरो लगाएंगे क्यों क्योंकि हम पेयर में नंबर लेते हैं बच्चों है ना तो यहाँ कोई नंबर नहीं होगा डेसिमल के बाद तो हम डेसिमल के बाद जीरो लगा सकते हैं है ना जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है और हमें पेयर में नंबर चाहिए तो इसे हमने कर दिया फाइव जीरो तो ये आ जाएगा हमारा थ्री फिफ्टी अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं हम टेन अब हम ऐसा नंबर लेंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह थ्री फिफ्टी या थ्री फिफ्टी से कम वाला नंबर मिल जाए राइट तो टेन के बगल में हम क्या रखें थ्री रख सकते हैं देखो थ्री दिख रहा है यहाँ पे तो थ्री रख देते हैं यहाँ यदि हमने थ्री रखा तो नीचे भी थ्री यहाँ जो नंबर रखेंगे नीचे भी वही नंबर तो थ्री थ्री, थ्री हो गया नाइन जीरो और थ्री हंड्रेड एंड नाइन तो यहाँ हम थ्री लिखेंगे और यहाँ पे भी हम थ्री लिखेंगे और यहां हम लिख देंगे थ्री हंड्रेड एंड नाइन ठीक अब इसको सब्सक्राइब कर दो आप तो ये मिल जाएगा आपको वन यहाँ से आपको मिल जाएगा आ, ये हो गया फोर ओके तो फोर्टी वन मिल गया इसको आप फर्दर और जीरो जीरो लगा के फर्दर और सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे थ्री लिखा था तो यहाँ पे थ्री जो नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं उसी को नीचे ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाता है वन हंड्रेड एंड सिक्स और यहाँ पे हम दो जीरो और लगा देंगे फिर 106 के बगल में हम कौन से दो नंबर लेंगे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 4100 मिल जाए ये हमको सोचना है ओके okay? तो इस तरह से आप करके देखना फाइव पॉइंट थ्री को आप स्क्वायर करोगे ना तो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव ही आपको मिलेगा ओके okay? तो इस तरह से हमें स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स निकालने हैं ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा और हम प्रैक्टिस करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे के और क्लियर हो जाएगी चीज है बहुत इजी मेथड है ओके तो चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा ओके इसी के साथ हमारा आ, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं जितने भी टॉपिक्स एक्सरसाइज में चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं तो ये सेशन हमारा यही एंड होता है आई होप आपके आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यदि कोई डाउट है अभी अभी भी तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन के क्वेश्चन के साथ